हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आज मैं आपके लिए कोई दिल को छू लेने वाली यात्रा लेकर आया हूँ? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बस अपने सपनों के लिए चीख रहे हैं और जैसे कि ब्रह्मांड और भगवान ने आपकी बात सुनना बंद कर दिया है? मेरा विश्वास करें, मैं इससे गुजरा हूँ और यह बहुत दर्दनाक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप हमेशा ब्रह्मांड और भगवान से बात करते रहे हैं? हाँ, यह सही है, आप हमेशा ब्रह्मांड और भगवान से बात करते रहे हैं और आपको अब तक ये पता नहीं था। अगले कुछ मिनट में मैं 5 गेम चेंजिंग स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको सिखाएंगे कि ब्रह्मांड और भगवान से मीठी मीठी बातें कैसे कहनी है और अपने सबसे पागलपन भरे सपनों को भी कैसे साकार करना है। और मैं आपको बता दूं, स्टेप नंबर 3 यह आपकी दुनिया को सबसे बेहतरीन तरीके से बदल कर रख देगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप इस एपिसोड में बताए गए चरणों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी साधना में सफल नहीं हो सकते हैं, न ही अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। मेरी बात याद रखना, हर संभव प्रयास करना, और जब आपको लगे कि मेरी साधना पूरी न होने का क्या कारण है तो आकर यह एपिसोड देखना, क्योंकि आपने इधर उधर भटककर बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो आप यह एपिसोड देख सकते हैं, अन्यथा बर्बादी मुबारक हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि हम इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरे, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूँ। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। पहला चरण है ध्यान की शक्ति। ब्रह्मांड और भगवान को एक विशाल दर्पण के रूप में कल्पना करें, जो आपके द्वारा ध्यान केंद्रित की गई हर चीज को प्रतिबिंबित करता है। आपके विचारों से लेकर आपके आसपास की हर चीज जो आप अनुभव करते हैं वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। थोड़ा और आसान कर देता हूँ, इसके बारे में इस तरह से सोचे जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही आपकी पूरी वास्तविकता उस चीज के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर आप ध्यान देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपनी खुद की ब्रह्मांडीय फिल्म के निर्देशक हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन से दृश्य काटे जाएंगे और कौन से दृश्य फिल्म में आएंगे। लेकिन यहाँ एक बात है, और ये पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसे आपके अनुभव का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है अगर आप उस पर ध्यान नहीं देना चुनते हैं, तो यह एक महाशक्ति होने जैसा है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं अपने जीवन में बुरी चीजों को अनदेखा नहीं कर सकता, और आप सही कह रहे हैं, हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि समस्याएं मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम उन्हें अपनी कितनी ऊर्जा देते हैं। यहां आपके लिए एक अभ्यास है, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपको हाल ही में परेशान कर रही है। समझे, अब उस समस्या को ऊर्जा की एक छोटी सी गेंद के रूप में कल्पना करें, इसे अपने दिमाग में इधर उधर उछलने देने और अपना सारा ध्यान लेने देने के बजाय इसे धीरे से अलग करने का प्रयास करें। इसे बलपूर्वक दूर न धकेलें, अब बस इसे रहने दें और अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाएं। और यही ब्रह्मांड से बात करने का सार है। आप बता रहे हैं, अरे मैं इसे देख रहा हूं लेकिन यह वो नहीं है जिस पर मैं अभी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और ब्रह्मांड इसे सुनता है। याद रखें, आकर्षण के नियम के भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में आपके विचार खाली बर्तनों की तरह हैं। वे आपकी वास्तविकता के सच्चे निर्माता नहीं हैं, आपका ध्यान आपका सच्चा निर्माता है। आपके पास हाँ कहकर विचारों को सक्रिय करने या उन्हें नहीं धन्यवाद कहकर खारिज करने की शक्ति है। तो ब्रह्मांड और भगवान से बात करने का पहला कदम ये जानना है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। जिस क्षण से आप इस दुनिया में आए हैं, ब्रह्मांड आपसे एक सवाल पूछ रहा है, आप क्या चाहते हैं, और जिस पर आप ध्यान लगाते हैं वही आपका उत्तर है। हर बार जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ब्रह्मांड से कह रहे होते हैं, हाँ कृपया और भी दीजिए। लेकिन यहीं पर यह मुश्किल हो जाता है, ब्रह्मांड सकारात्मक और नकारात्मक ध्यान के बीच भेदभाव नहीं करता है।
यदि आप लगातार कर्ज के बारे में चिंता कर रहे हैं तो आप खुद ही अनुमान लगाइए क्या होगा। ब्रह्मांड इसे इस तरह पढ़ता है, ओह ये वास्तव में कर्ज में रुचि रखता है, चलो उन्हें इसके बारे में सोचने के लिए और अधिक अवसर दें। तो हम इस ज्ञान का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये सब चुनिंदा जुड़ाव के बारे में है। अपने ध्यान पर ध्यान देना शुरू करें। ध्यान दें कि आपका मन पूरे दिन कहां भटकता है। क्या ये चिंताओं पर विचार कर रहा है, भविष्य की सफलता के बारे में कल्पना कर रहा है या पिछले पलों को फिर से जी रहा है। इनमें से प्रत्येक फोकस बिंदु आपके जीवन में जो आप अधिक चाहते हैं उसके लिए एक वोट की तरह है, इसलिए बुद्धिमानी से चुने। जब आप खुद को किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, तो धीरे से अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या आपने कमेंट में जय श्री राम लिखा है? नहीं तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। और अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपके आत्मविकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्र, साधना और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्ग तलाशते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसों को लेकर तनाव में हैं, तो अपने ध्यान को अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभारी महसूस करने पर केंद्रित करने का प्रयास करें। चाहे वो सिर्फ सांस लेने वाली हवा हो या वो डिवाइस जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। याद रखें, आपका ध्यान आपकी महाशक्ति है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और आप आश्चर्यचकित होंगे कि ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया करता है। दूसरा चरण है वर्तमान काल में जीना। अब जब हमने ध्यान देने की कला में महारत हासिल कर ली है, तो चलिए दूसरे चरण पर चलते हैं, ब्रह्मांड के पसंदीदा काल वर्तमान में बोलना। यहाँ आपके लिए एक दिमाग घुमा देने वाली सच्चाई है, ब्रह्मांड केवल वर्तमान क्षण को ही वास्तविकता के रूप में पहचानता है। भूतकाल और भविष्य ये ब्रह्मांड के लिए केवल अवधारणाएं हैं। सब कुछ अभी इस शाश्वत वर्तमान में प्रकट हो रहा है, इसलिए जब हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इस सार्वभौमिक सत्य के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। ये स्पष्ट संकेत पाने के लिए सही आवृत्ति में ट्यूनिंग करने जैसा है। यहाँ बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं, मैं सफल हो जाऊंगा या मैं खुश रहूंगा। लेकिन यहाँ ब्रह्मांडीय मोड़ है। जब आप कहते हैं मैं सफल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड सुनता है, मैं अभी सफल नहीं हूँ। इसके बजाय ये प्रयास करें, ऐसा महसूस करें कि आप जो खोज रहे हैं वो आपके पास पहले से ही है। हर कल्पनीय वास्तविकता पहले से ही मौजूद है, जिसमें वो भी शामिल है जहां आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आपका काम उस आवृत्ति से जुड़ना है। आइए एक अभ्यास करके देखें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें। ये कैसा दिखता है, ये कैसा लगता है, अब इसे भविष्य की संभावना के रूप में सोचने के बजाय कल्पना करें कि यह अभी हो रहा है। अपने सपनों को पूरा करने की खुशी, संतुष्टि, शांति महसूस करें। अपनी आंखें खोलें। वो एहसास जो आपने अभी अनुभव किया है, यही वो भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है। जब आप अपनी इच्छा के अनुसार पहले से ही जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने की भावना को रूप देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं, यह मेरी वास्तविकता है। अब मुझे पता है कि यह पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर अगर आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपकी इच्छाओं से मेल नहीं खाती हैं। लेकिन याद रखें, हम खुद से झूठ नहीं बोल रहे हैं या वास्तविकता को नकार नहीं रहे हैं, हम बस अपनी ऊर्जा को अपने इच्छित परिणाम के साथ जोड़ रहे हैं। अपने कथनों को वर्तमान काल में फिर से लिखने का प्रयास करें। मैं सफल होऊंगा के बजाय मैं सफल हूं का प्रयास करें। मैं खुश रहना चाहता हूं के बजाय मैं खुश हूं कहें और अंतर महसूस करें। ये केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह ऊर्जा का संरेखण है। जब आप वर्तमान काल में बोलते और सोचते हैं, तो आप केवल अपनी इच्छित वास्तविकता का वर्णन नहीं कर रहे होते हैं, आप उसमें कदम रख रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं, मैं अब यही हूं। और यही असली जादू है। जब आप लगातार इस वर्तमान काल की ऊर्जा को बनाए रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी आंतरिक स्थिति से मेल खाने के लिए आपकी बाहरी वास्तविकता को फिर से आकार देना शुरू कर देता है। यह ऐसा है
जैसे आप एक ब्रह्मांडीय आदेश भेज रहे हैं और ब्रह्मांड इसे पूरा करने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन याद रखें, ये केवल शब्दों के बारे में नहीं है, यह उनके पीछे की भावना के बारे में भी है। जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, तो वास्तव में इसे महसूस करें, इसे अपनाएं। सफलता की उस भावना को अपने शरीर की हर कोशिका में भरने दें। यह वर्तमान काल का जीवन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। छोटी शुरुआत करें। अपने जीवन का एक ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं और उसके बारे में वर्तमान काल का कथन बनाएं। इसे रोजाना दोहराएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसे गहराई से महसूस करें और देखें कि आपकी वास्तविकता कैसे बदलने लगती है। तीसरा चरण है अपनी चेतना का विस्तार करना। क्या आप उस जीवन बदलने वाले कदम के लिए तैयार हैं जिसका मैंने वादा किया था? तो वो ये रहा, अपनी चेतना का विस्तार करना। यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। जीवन को एक जटिल बहुआयामी खेल के रूप में कल्पना करें। ज्यादातर लोग बुनियादी स्तर पर खेल रहे हैं, केवल सबसे स्पष्ट नियमों और तत्वों के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप स्तर बढ़ा सके? क्या होगा अगर आप छिपे हुए पैटर्न, सूक्ष्म ऊर्जाओं, वास्तविकता की अंतर्निहित संरचना को देख सके? यही आपकी चेतना का विस्तार करने के बारे में है। यह आपके ब्रह्मांडीय सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है, ताकि आप वास्तव में क्या हो रहा है ये देख सके। इसके बारे में इस तरह से सोचे, क्या आपने कभी किसी अनुभवी पेशेवर के साथ कोई भी खेल खेला है? ऐसा लगता है कि उनके पास खेल को पढ़ने, आगे क्या होने वाला है ये जानने की एक अनोखी क्षमता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक नौसिखिए खिलाड़ी की तुलना में अधिक चरणों के बारे में जानते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जैसे जैसे आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, आप ब्रह्मांडीय खेल में अधिक चरणों के बारे में जागरूक होते जाते हैं। आप उन कनेक्शनों को देखना शुरू करते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। आप उन सूक्ष्म संकेतों को समझना शुरू करते हैं जो ब्रह्मांड आपको लगातार भेज रहा है। तो हम अपनी चेतना का विस्तार कैसे करते हैं? इसकी शुरुआत जिज्ञासा और खुलेपन से होती है। वास्तविकता के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना शुरू करें। अपने आप से पूछें, क्या होगा अगर इसमें मेरी वर्तमान समझ से ज्यादा कुछ है? ध्यान या साधना चेतना के विस्तार के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास है। यह आपको अपने मन की चंचलता को शांत करने और अस्तित्व की गहरी धाराओं में तालमेल बिठाने की अनुमति देता है। दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करें। चुपचाप बैठें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करें। एक और शक्तिशाली तकनीक है उपस्थिति का अभ्यास करना। अपने पूरे दिन में अपने वर्तमान अनुभव में पूरी तरह से डूबने के लिए कुछ पल निकालें। अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं, अपने आसपास की आवाजों, अपने दिमाग से गुजरने वाले विचारों पर ध्यान दें। ये सरल अभ्यास वास्तविकता के बारे में आपकी धारणा को नाटकीय रूप से बदल सकता है। अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ना और सीखना भी आपकी चेतना का विस्तार कर सकता है। विभिन्न परंपराओं से दर्शन, क्वांटम भौतिकी, आध्यात्मिक शिक्षाओं का अन्वेषण करें। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर विश्वास करने की चिंता न करें। लक्ष्य आपके दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोलना है। जैसे जैसे आपकी चेतना का विस्तार होगा, आप समकालिकताएं देखना शुरू करेंगे, सार्थक संयोग जो आपको मार्गदर्शन करते प्रतीत होते हैं। इन पर ध्यान दें, वे अक्सर ब्रह्मांड से संकेत होते हैं जो आपको आपके उच्चतम मार्ग की ओर ले जाते हैं। याद रखें, अपनी चेतना का विस्तार करना ज्ञान की किसी अंतिम अवस्था तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह विकास और खोज की एक सतत यात्रा है। हर बार जब आप अपनी जागरूकता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए नई संभावनाएं खोलते हैं। आप जितने अधिक जागरूक होंगे, आप जीवन के ब्रह्मांडीय खेल को खेलने में उतने ही अधिक कुशल होंगे। आप बेहतर निर्णय लेंगे, चुनौतियों का अधिक आसानी से सामना करेंगे और अपने सच्चे मार्ग के साथ पूरी तरह से संरेखित होंगे। तो क्या आप अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, ब्रह्मांड असीम रूप से जटिल और सुंदर है। जितना अधिक आप अपनी जागरूकता का विस्तार करेंगे, उतनी ही अधिक सुंदरता आप अपने जीवन में देख और बना पाएंगे। चौथा चरण है अपने मार्गदर्शन तंत्र पर भरोसा करना। अब जब हमने अपनी चेतना का विस्तार कर लिया है, तो अब आपके आंतरिक GPS, आपके मार्गदर्शन तंत्र के बारे में बात करने का समय आ गया है। यहां आपके लिए एक ब्रह्मांडीय सत्य है
ब्रह्मांड किसी भी मानवीय भाषा में बात नहीं करता है। यह ऊर्जा भावनाओं और अंतर्ज्ञान के माध्यम से संचार करता है। और अंदाजा लगाइए, क्या आपके पास इस सार्वभौमिक भाषा के लिए एक अंतर्निहित अनुवादक है? यह आपकी भावनाएं, आपकी आंतरिक भावनाएं, आपका अंतर्ज्ञान है। अपने मार्गदर्शन तंत्र को ऊर्जा के विशाल महासागर में कंपास की तरह समझें। जब कुछ अच्छा लगता है तो यह आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। जब कुछ बुरा लगता है तो यह आपको चेतावनी देता है कि आप रास्ते से भटक रहे हैं। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन जब बुरी चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे जंक फूड या अधिक सोना, यहीं पर हमें अल्पकालिक आनंद और सच्ची प्रतिध्वनि के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। सच्ची प्रतिध्वनि सही होने की एक गहरी शांतिपूर्ण भावना है। यह हमेशा रोमांचक या अत्यधिक आनंददायक नहीं होती है, लेकिन यह मौलिक रूप से अच्छी और संरेखित लगती है। दूसरी ओर, जो चीजें अंततः हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, वे हमें खुशी का एक त्वरित झटका दे सकती हैं, लेकिन वे अक्सर बाद में हमें और भी बुरा महसूस कराती हैं। तो हम अपने आंतरिक कंपास को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं? इसकी शुरुआत ध्यान देने से होती है। अपने पूरे दिन में ध्यान दें कि अलग अलग अनुभव, विचार और विकल्प आपको कैसा महसूस कराते हैं, सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि अंदर से भी। यहां एक आसान अभ्यास है। अगली बार जब आपको कोई निर्णय लेना हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, एक पल के लिए रुके, गहरी सांस ले और खुद से पूछे, यह विकल्प कैसा लगता है? इसका विश्लेषण ना करें, बस इस बात पर ध्यान दे कि यह आपके शरीर में क्या भावनाएं जगाता है। क्या यह हल्का या भारी लगता है? आप जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे, आप अपने आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली के साथ उतने ही ज्यादा जुड़ जाएंगे। आप उन सूक्ष्म भावनाओं को नोटिस करना शुरू कर देंगे जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया होगा। अब यहां यह वास्तव में शक्तिशाली हो जाता है। एक बार जब आप लगातार वही करना शुरू कर देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो वास्तव में आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, तो आप पाएंगे कि आपको कम सोचने की जरूरत है। आप स्वाभाविक रूप से उन अनुभवों और विकल्पों की ओर बढ़ेंगे जो आपके सर्वोच्च अच्छे के साथ संरेखित हैं। लेकिन सावधान रहें, आपका अहंकार आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। यह आपको बता सकता है कि अपनी गहरी इच्छाओं का पालन करना स्वार्थी या गैर जिम्मेदाराना है। याद रखें, हम यहां क्षणभंगुर सनक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके सबसे सच्चे, सबसे संरेखित मार्ग का अनुसरण करने के बारे में बात कर रहे हैं, और वो मार्ग अंततः न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को लाभान्वित करेगा। अपने मार्गदर्शन प्रणाली पर भरोसा करने का मतलब ये भी है कि जो अच्छा नहीं लगता है उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना, भले ही वो व्यवहारिक लगे। ये पहली बार में डरावना हो सकता है, लेकिन याद रखें, ब्रह्मांड का दृष्टिकोण हमसे कहीं अधिक व्यापक है। कभी कभी किसी ऐसी चीज को छोड़ देना जो प्रतिध्वनित नहीं होती है, कुछ और बेहतर आने के लिए जगह बनाती है। जैसे जैसे आप अपने मार्गदर्शन प्रणाली पर भरोसा करने में बेहतर होते जाते हैं, आप पाएंगे कि जीवन अधिक सहज हो जाता है। आप खुद पर संदेह करने में कम समय बिताएंगे और प्रवाह में अधिक समय बिताएंगे। आप अधिक आसानी से और आत्मविश्वास से निर्णय लेंगे। याद रखें, आपकी भावनाएं सार्वभौमिक ज्ञान की सीधी रेखा है। उनका सम्मान करें, उन पर भरोसा करें और देखें कि आपका जीवन कैसे जादुई रूप से सामने आता है। पांचवा चरण है दोहराव की शक्ति। हम अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं और यह एक गेम चेंजर है, दोहराव की शक्ति का दोहन करना। ये समझने के लिए कि दोहराव इतना शक्तिशाली क्यों है, हमें आपके अवचेतन मन के कामकाज को समझाने की जरूरत है। अपने अवचेतन को अपने भीतर के ब्रह्मांड के रूप में सोचें। यह विशाल शक्तिशाली है और यह उन तरीकों से काम करता है जो आपके चेतन मन को रहस्यमय लग सकते हैं। आकर्षण का नियम मुख्य रूप से आपके अवचेतन से आता है, आपके चेतन विचारों से नहीं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन की तरह जानकारी को फिल्टर नहीं करता है। ये सब कुछ सच के रूप में स्वीकार करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वास्तविक हो या काल्पनिक। यही कारण है कि लगातार किए जाने पर एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। आप अनिवार्य रूप से अपने आंतरिक ब्रह्मांड को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो तब आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले बाहरी ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। आपका अवचेतन मन एक बार के विचारों,
या कभी कभार की गई एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस से आसानी से प्रभावित नहीं होता है। ये दोहराव पर प्रतिक्रिया करता है। यह एक पौधे को पानी देने जैसा है। एक दिन पानी देने से बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन समय के साथ लगातार देखभाल करने से इसे पनपने में मदद मिलेगी। तो हम इस ज्ञान का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? यह उन विश्वासों और वास्तविकताओं के निरंतर सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के बारे में है जिन्हें हम बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ एक या दो बार "मुझे भरोसा है" सोचने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इस प्रतिज्ञान को रोजाना दोहराते हैं, इसे कहते समय आत्मविश्वास की भावना महसूस करते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि आप पहले से ही आश्वस्त हैं, तो आप अपने अवचेतन को फिर से जोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक शक्तिशाली अभ्यास है। अपने जीवन का एक ऐसा क्षेत्र चुनें जिसे आप सुधारना चाहते हैं। इसके बारे में एक सकारात्मक वर्तमान काल की एफर्मेशन बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूँ। अब अगले 30 दिनों तक इस प्रतिज्ञान को दिन में कम से कम 100 बार दोहराने का संकल्प लें। हाँ, 100 बार। ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसमें बस कुछ मिनट लगते हैं। मुख्य बात यह है कि आपको सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि बोलते समय उनकी सच्चाई को महसूस करना है। कल्पना करें कि प्यार और सम्मान के पूरी तरह योग्य होने पर कैसा महसूस होता है। अपने एफर्मेशंस को दोहराते समय उस भावना को अपनाएं। अब यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। जब आप यह अभ्यास कर रहे होते हैं तो आपकी वर्तमान वास्तविकता मायने नहीं रखती। आप यह वर्णन नहीं कर रहे होते कि क्या है, आप ये प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं कि क्या होगा। भले ही आप अभी आत्मविश्वासी या योग्य महसूस न करें, लेकिन जब आप अपना एफर्मेशंस दोहरा रहे हो तो ऐसा व्यवहार करें जैसे कि आप ऐसा करते हैं। समय के साथ ये दोहराव आपके अवचेतन विश्वासों को बदलना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे आपकी आंतरिक दुनिया बदलती है, आपकी बाहरी दुनिया भी स्वाभाविक रूप से उसी तरह बदलती है। आप देखेंगे कि आप विभिन्न स्थितियों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। लोग आपके बढ़े हुए आत्मविश्वास पर टिप्पणी कर सकते हैं। आपके नए आत्मविश्वासी स्व के साथ संरेखित अवसर दिखाई देने लग सकते हैं। याद रखें, आप परिवर्तन को मजबूर करने या अपनी वर्तमान वास्तविकता के खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बस अपनी ऊर्जा, अपने अवचेतन विश्वासों को उस चीज के साथ जोड़ रहे हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। फिर ब्रह्मांड इस नए ऊर्जावान हस्ताक्षर पर प्रतिक्रिया करता है। ये प्रक्रिया आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए काम करती है। बहुतायत, स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर की सफलता। चुने कि आपके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या है और दोहराव के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध हो। तो आपके पास ये है ब्रह्मांड और भगवान की भाषा बोलने के 5 चरण। अपने ध्यान की शक्ति का उपयोग करें, वर्तमान काल में जिए, अपनी चेतना का विस्तार करें, अपनी आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली पर भरोसा करें, पुनरावृत्ति की शक्ति का उपयोग करें। और यहाँ एक अंतिम ब्रह्मांडीय सत्य है, आप खुद ही ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड से बात करना वास्तव में आपके उच्च स्व, आपके सच्चे सार से बात करने के बारे में है। जैसे जैसे आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को अपनी वास्तविक इच्छाओं के साथ जोड़ते हैं, आप अपनी वास्तविकता के एक शक्तिशाली सह निर्माता बन जाते हैं। याद रखें, आप इस विशाल ब्रह्मांड में केवल एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं। आप एक सक्रिय भागीदार, एक निर्माता, वास्तविकताओं के प्रकटकर्ता हैं। इन उपकरणों का बुद्धिमानी से उपयोग करें और देखें कि आपका जीवन सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से कैसे बदलता है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है जिसे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो
तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।